में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कल्याण करोति संस्था द्वारा आयोजित निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन। गोवर्धन क्षेत्र के जतिपुरा में कल्याण करोति संस्था मथुरा द्वारा चल रहे 7 दिवसीय निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आज भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी गोविंदानंद जी और ब्रह्मानंद जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर समापन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता सतपाल भाटिया जी ने आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत माला दुपट्टा पहनाकर और चित्रपट भेंट कर किया। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सतपाल भाटिया ने संस्थान के लिए 31,000 रुपए का चेक दिया। सभी गरीब नेत्र रोगियों के लिए आयोजित इस नेत्र चिकित्सा शिविर में 7 दिन तक निःशुल्क परामर्श, दवाई तथा ऑपरेशन आदि की व्यवस्था की गई। हजारों की संख्या में गोवर्धन क्षेत्र के नेत्र रोगियों ने इस शिविर में भाग लिया, अपने नेत्र परीक्षण कराए और इसका लाभ लिया। श्री नाथ जी धर्मार्थ सेवा सोसाइटी फरीदाबाद और श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान के कल्याण करोति मथुरा द्वारा इस शिविर में लगभग 735 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें से 80 लोगों के ऑपरेशन शिविर में किए गए और बाकी के 4 दिसंबर तक किए जाएंगे। इस अवसर पर NIA इंस्पेक्टर जनरल आलोक मित्तल संबंधित मौजूद रहे तथा सभी नेत्र रोगियों को दवाई, फल, गर्म कपड़े इत्यादि वितरित किए। आप गोवर्धन आए हो, यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, समापन में आपने भाग लिया, क्या कुछ रहा संस्था के बारे में, यहाँ के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? संस्था पिछले 18 सालों से, इस बार इस संस्था ने 18वां साल मनाया है कैंप के रूप में, और संस्था तो पिछले 18 साल से अच्छा काम कर ही रही है। और इनके जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदीश भाटिया जी, उनके बारे में तो एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि सेवा तथा त्याग की भावना जिनके मन में होती, वही पुरुष तो महापुरुष, उन्हें यश और कीर्ति मिलती। तो हमारे भाटिया साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना, ऑपरेशन करवाना, हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना, खान पान प्रोवाइड करवाना, रहने की व्यवस्था करवाना, ये भाटिया साहब और उनकी टीम का ही एक बहुत ही नेक काम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रहती है सीताराम धर्मशाला की, मैं लास्ट ईयर भी आया था, तब भी मैंने देखा संस्था के सभी लोग अच्छे से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो धन्यवाद करना चाहूँगा सीताराम धर्मशाला के सभी पदाधिकारियों का, और ख़ास तौर पर हमारे जगदीश भाटिया जी जो कि अध्यक्ष हैं, व सभी इनकी टीम का, कि उन्होंने ऐसे नेक काम को अंजाम दिया। और हम दुआ करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ऐसे कैंप लगते रहें और जन साधारण जो इन फैसिलिटीज़ को नहीं ले पाती, वो इन चीज़ों का लाभ लें और उनका भला हो। शिविर का समापन है, लगभग कितने मरीजों के यहाँ ऑपरेशन हुए हैं और किन किन संस्थाओं ने इसमें अपना सहयोग दिया? ये कार्यक्रम श्री नाजी धर्मार्थ सेवा सोसाइटी फरीदाबाद के सौजन्य से विगत 18 वर्षों से लगातार चल रहा है, और इस नेत्र चिकित्सा शिविर में दूर दराज के अंचलों से नेत्रोगी लगातार आते हैं। 1353 नेत्रोगियों ने यहाँ पर अपना नेत्र परीक्षण कराया और 735 नेत्रोगियों को नेत्र ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया है। अब तक 465 नेत्रोगियों के नेत्र ऑपरेशन हो चुके हैं। लगातार 4 दिसंबर तक ये नेत्र चिकित्सा शिविर चलता रहेगा, और हमारी चेष्टा है कि भविष्य में भी जो क्षेत्र के नेत्रोगी हैं वो यहाँ से किसी भी तरह से निराश नहीं लौटें और अधिकाधिक नेत्रोगियों की सेवा हो सके। इसी दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। कल्याणम करोति लगातार नेत्र ऑपरेशन का काम करती रहती है। कभी भी कोई भी ऐसा नेत्रोगी जिसे नेत्र ऑपरेशन की आवश्यकता है, वो श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान में आकर अपना नेत्र ऑपरेशन करा सकता है। वो किसी भी तरह का उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये हमारी चेष्टा है कि वृद्ध क्षेत्र कैटरेक्ट फ्री जोन के रूप में प्रचलित हो जाए और यहाँ ऐसा कोई नेत्रोगी न रहे जहाँ नेत्र ऑपरेशन के नेत्र धनराशि के अभाव में अपनी नेत्र ज्योति गंवा दे। हम लगातार इसी तरह से नेत्र
ऑपरेशन के कार्यक्रम चालू रखेंगे और सेवा करते हैं। सर कौन कौन सी और संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है आप लोग? ये श्री नाजी धर्मार्थ सेवा सोसाइटी और भाटिया वेलफेयर ट्रस्ट इसके साथ जुड़ा रहा है और मुख्य रूप से तो श्री नाजी धर्मार्थ सेवा सोसाइटी इस कार्य में जुड़ी रही है। धन्यवाद।